3D एनिमेशन से समझो, शूटर यहाँ खड़ा हुआ था और इसे 400 फीट की दूरी पर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक रैली को संबोधित कर रहे थे। यहाँ सारी जनता बैठी हुई थी और इस बगल वाली बिल्डिंग की छत पर ही दो सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स मौजूद थे। आज से 5 दिन पहले शाम को 6:03 पर ट्रंप भाषण देना शुरू करते हैं और 8 मिनट बाद यानी कि 6:11 पर यह शूटर ट्रंप पर फायरिंग शुरू कर देता है। यह शूटर बस एक 20 साल का लड़का था। 2 साल पहले ही इसने अपना हाई स्कूल फिनिश किया और अभी एक नर्सिंग होम में काम करता था। ये अपने बाप की AR-15 बंदूक घर से रैली साइट पर उठा लाया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसकी गाड़ी से बॉम्ब बनाने का सामान भी मिला। जैसे ही इसने ट्रंप चाचा पर गोली चलाई तो पहली गोली उनके कान पर लगी, लेकिन चूंकि ये प्रोफेशनल शूटर या क्रिमिनल नहीं था इसलिए बाकी 7 गोलियां ट्रंप को नहीं लग पाई। अनफॉर्चुनेटली ये बची हुई गोलियां पब्लिक में मौजूद लोगों को लगी, जिसके चलते 2 लोग घायल हुए और 1 बंदे की मौत हो गई। गोलियां चलते ही सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स एक्टिवेट हुए और इस बिल्डिंग से निशाना लगा के उस 20 साल के शूटर को फायरिंग करके वहीं इंस्टेंटली निपटा दिया।